अन्याय के विरुद्ध। जीवन में आवश्यकता से अधिक सीधापन मूर्खता का पर्याय माना जाने लगा है। अपनी बात कह पाने की क्षमता भी जीवन में बहुत जरूरी है। अन्याय को चुपचाप सहन करते रहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप है। इसी बात को प्रस्तुत कहानी में आपके समक्ष स्पष्ट किया जा रहा है। ये कहानी प्रसिद्ध रूसी लेखक अंतोन चेखव द्वारा मूल रूप से रूसी भाषा में लिखी गई है। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने अपने बच्चों की मास्टरनी जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे स्वर में कहा। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीना ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई, मैंने डायरी में सब लिख रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा न हुआ हो। तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया है, कोलिया को सिर्फ घुमाने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया, वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द नहीं। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ, मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी वीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 साथ हुए 19 नागे। हाँ तो भाई, घटाओ 60 में से 19 कितने बचे? 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू छलक आए, उसने धीरे से खांसा, उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की, बोली एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना ही बदा है। चलो, मैं उसके 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोंच लगकर उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान से कहना चाहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसू से भर उठी, उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज में वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ तो 14 में वे 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह
उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है।